सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करियर कोचिंग ब्लॉग्स में। तो फिर आज एक और बेस्ट वीडियो लेके, आज कॉरपोरेट की वीडियो हम बनाने वाले हैं। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि प्राइवेट इंडस्ट्री में जॉब कैसे मिलती है। बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं, जो अभी अपना बैचलर कंप्लीट करने वाले हैं या फिर जो मास्टर कंप्लीट करने वाले हैं, जिन्होंने बैचलर मास्टर एक साथ किया है, ठीक है, तो उनके लिए बेसिकली ये वीडियो है। जो न्यू जॉइनीज हैं, ठीक है, जो न्यू जॉब सीकर्स हैं, जो न्यू कैंडिडेट हैं, जो जॉब के लिए तलाश कर रहे हैं कि जॉब कैसे सर्च करें, ठीक है ना। अब बहुत से बच्चों का प्लेसमेंट नहीं हो पाता है, लेकिन यार बराबर उन्होंने भी पैसा दिया हुआ है ना एजुकेशन में, ठीक है, तो उनको भी जॉब की ज़रूरत रहती है। अब देखिए, आज हम यहाँ पे दो चीज़ें की दो टॉपिक की बात करेंगे और इस छोटी सी वीडियो रखेंगे। ज़्यादा बड़ी ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, बट इन्फॉर्मेशन बहुत सारी यहाँ पे आप गैदर करने वाले हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ शेयर करने वाला हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। सबसे पहले, अगर आपको स्टार्टिंग में जॉब चाहिए, डियर स्टूडेंट्स, आप जॉब देख रहे हैं, ठीक है ना, देखिए बैंकिंग इंडस्ट्री में प्राइवेट बैंक में कैसे आना है, वो भी आज आपको मैं शेयर कर दूंगा, बता दूंगा। प्राइवेट कंपनी में कैसे आना है, प्राइवेट कंपनी मींस जो अच्छी रैंके हैं, जैसे एडटेक कंपनियों में आप जा रहे हैं, बायजूस हो गया, वेदांतु, टॉपर, एक्स्ट्रा मार्क्स, अन अकेडमी, तो ये सब इस ऐसी कंपनियों में, ठीक है, एक्सेंचर हो गया, डिलॉयटी हो गया, कैप जेमिनाई, कॉन्सीजेंट वगैरह, ये सब टॉप रेटेड जो कंपनियाँ हैं। वैसे उनमें बड़ा, देखिए, जॉब मिलना इनमें बड़ा टफ है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स में इतनी नॉलेज होती है, ठीक है, कोडिंग की। अब टेक्निकल टर्म्स की बात करें हम, टेक्निकल फील्ड की, जो कंप्यूटर के कोर्स होते हैं, है ना, जिसमें लैंग्वेजेस हम पढ़ते हैं। देखिए, मैंने भी बीसीए किया, लैंग्वेजेस कभी हैं, तो कुछ स्टूडेंट इतने परफेक्ट होते हैं, इनकी लैंग्वेज कोडिंग बहुत परफेक्ट होती है, उनको जल्दी मौका मिल जाता है। अब एवरेज स्टूडेंट रह जाते हैं, तो उनके लिए मैं यहाँ पर कुछ सजेशंस देने वाला हूँ, कुछ बताने वाला हूँ एवरेज स्टूडेंट के लिए कि प्राइवेट इंडस्ट्री में वो लोग कैसे आ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए, मैं आपको जो मुझे एक्सपीरियंस है वही शेयर करूँगा, इधर उधर की बातें हम नहीं करेंगे इस वीडियो में, फालतू की बातें नहीं करेंगे। सबसे पहले देखिए, आप सबसे कॉमन क्या है जो मैंने खुद अपनी लाइफ में यूज़ किया, हम सबसे पहले जो जॉब सीकर्स वेबसाइट होती हैं जहाँ पे जॉब मिलता है, जैसे sign.com हो गया, इंडीड वगैरह हो गया आपका, वहाँ पे हम सबसे पहले चले जाते हैं, ठीक है, अपने रिज्यूमे वगैरह अपलोड करते हैं। और ऐसा नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो जॉब मिलती है ना, उससे आप शायद सेटिस्फाई ना हो, क्योंकि 8-10 हज़ार की, मुश्किल से 15 हज़ार की जॉब, वो भी दिल्ली जैसे NCR एरिया में मिलेगी, जहाँ खर्चा इतना है यार, बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं कुछ ऐसे बेस्ट वे बताता हूँ, कुछ ऐसे पाथ बताता हूँ जहाँ से आपको जॉब मिलना इजी हो जाएगा, ठीक है, आपको जॉब मतलब कहीं इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, इजी हो जाएगा। तो वही चीज़ें हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, एक बेस्ट प्लेटफॉर्म पता है आपको क्या है, डियर स्टूडेंट्स जो स्टडी कर रहे हैं, मैं उनको बता देता हूँ, एक बेस्ट प्लेटफॉर्म जॉब सर्च करने का, वो है लिंक्डइन। लिंक्डइन जो नहीं जानते हैं, ठीक है, लिंक्डइन इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म जॉब्स के लिए, क्योंकि लिंक्डइन पे जॉब्स आती हैं, ठीक है, बहुत सारी जॉब आपको देखेंगी, बड़ी बड़ी यहाँ पे जो मतलब ऑर्गेनाइजेशंस हैं, MNC, FMCG, सबकी जॉब मोस्टली आपको यहाँ दिखेंगी। तो लिंक्डइन आप डाउनलोड करके अपनी प्रोफाइल सेट कीजिए, क्योंकि बेसिकली वो प्रोफेशनल पर्सन होते हैं, उनके लिए ज़्यादातर है। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ से जुड़ी हैं, उनके CEO वगैरह बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको क्या करना है ना, आप लिंक्डइन डाउनलोड कीजिए, और लिंक्डइन पे आपको जॉब का ऑप्शन मिल जाता है, वहाँ पे आप डायरेक्ट जॉब से जाके आप देखिए आपके एरिया में कौन सी जॉब है, आपके लायक कौन सी जॉब है, जाके अप्लाई कर दीजिए रिज्यूमे वगैरह वहाँ पे सिलेक्ट करके। देखिए, मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, लिंक्डइन मैं इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पे लिंक्डइन, क्योंकि लिंक्डइन में मैंने वेदांतु के लिए अप्लाई किया था डियर्स, देखिए, और वेदांतु हमारे इंडिया की टॉप एडटेक कंपनियों में आता है, ठीक है। वेदांतों के लिए मैं क्या कर रहा था, मैं लिंक्डइन पे गया, ठीक है, लिंक्डइन पे जाने के बाद मैंने देखा कि यार वेदांतों में अभी एकेडमिक काउंसलर की जॉब के लिए हायरिंग चल रही है, तो मैंने वहाँ पे ओपन करके और अपना रिज्यूमे, ठीक है, रिज्यूमे और वहाँ पे अप्लाई कर दिया, और विद इन 1 वीक में कॉल आया मेरे पास वेदांतों से। कॉल आने के बाद एक टेलीफोनिक इंटरव्यू राउंड हुआ मेरा, ठीक है, सेकंड मुझे याद है एक वीडियो कॉन्फ्रेंस पे वीडियो इंटरव्यू राउंड हुआ, थर्ड ऐसे मतलब उन्होंने फ़ोन किया, एक दो चीज़ें पूछी मेरे बारे में, देन उसके बाद बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर सिलेक्टेड इन वेदांतु फॉर द रोल ऑफ एकेडमिक काउंसलर। सो वेदांतु में मेरा फर्स्ट जॉब था एकेडमिक काउंसलर का, सेल्स का काम वहाँ भी था। एड टेक कंपनियों में ना, मतलब जो मतलब
अकेडमिक काउंसलर हो गए, जैसे वेदांत में अकेडमिक काउंसलर है, सीनियर अकेडमिक काउंसलर हो गए, या फिर और अपने बायजूस में देखा होगा बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट, सीनियर बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट, इन सब का काम है सेल्स का। तो मैं वेदांतु में सेल्स में था, प्योर सेल्स था। और वेदांतु का मैंने लिंकडिन से, तो सबसे पहले आप ना एक चीज़ माइंड में रखिए कि आप लिंकडिन को डाउनलोड कर दीजिए स्टूडेंट्स, अगर आप बैचलर डिग्री कर रहे हैं या मास्टर कर रहे हैं और आपको फर्स्ट जॉब चाहिए तो लिंकडिन से आप अप्लाई कर सकते हैं अपने मनपसंद जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन जहाँ जाना चाहते हैं। देखिए अगर रिज्यूमे, सबसे पहले क्या करना है ना, एक रिज्यूमे बहुत अच्छा मेंटेन रखना है, रिज्यूमे फॉर्मेट बहुत अच्छा होना चाहिए। और ट्राई कीजिए अपनी डिग्री के चलते इंटर्नशिप अच्छी जगह से करें, इंटर्नशिप का बहुत बड़ा यहाँ पर रोल है आपके रिज्यूमे में। सर्टिफिकेट जितने हो अचीव कर लीजिए, और उसके साथ साथ नॉलेज इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, कॉन्फिडेंस हमेशा रखिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी रखिए, और कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब डरने, एचआर के सामने जाएं तो बिल्कुल डरिए मत, वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। बट रैंक पोजिशंस की अगर हम बात करें इन प्राइवेट इंडस्ट्री और प्रोफेशनल वे में, तो उनकी रैंक ज़्यादा है थोड़े। मैं फर्स्ट टाइम जब इंटरव्यू के लिए एंट्री किया तो थोड़ा दिल मेरा, मैं नर्वस था, दिल धड़क रहा था, लेकिन एटलीस्ट फिर मैंने इंटरव्यू दिया तो बहुत अच्छे से, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं और आप अंदर से स्ट्रांग हैं, आप कहीं भी निकल जाएंगे, किसी भी कंपनी में नॉलेज में अच्छे हैं। तो सबसे पहले लिंक्डइन पे जाइए, ठीक है, लिंक्डइन पे बहुत अच्छा। अब देखिए एक वेबसाइट है, बहुत कम लोग जानते होंगे ये, तो चलिए पहला प्रेफरेंस हो गया कि यहाँ से आप पहुँच सकते हैं। दूसरा, ठीक है, जानते भी होंगे बहुत से लोग, नहीं भी जानते होंगे, sign.com है। नॉर्मल जॉब चाहिए, sign.com पे आप रिज्यूमे अप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना, अपनी प्रोफाइल अच्छे से सेट करिए वहाँ भी, ठीक है, और इसमें डाल दीजिए अपने रिज्यूमे वगैरह, अपने क्वालिफिकेशन जो भी रिज्यूमे, वो सब देखे वो आपको विद इन 1 वीक या विद इन 1 मंथ के अंदर कॉल करेंगे, करेंगे ज़रूर, ठीक है, 1 वीक हम ड्यूरेशन लेके चलते हैं। और लिंक्डइन से अगर आप अप्लाई करते हैं ना और रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता है तो 1 वीक मिनिमम, 1 वीक, वेदांतु में मेरा 1 वीक के अंदर कॉल आ गया था। तीसरा तीसरा इंडिड, और इंडिड बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जॉब के लिए, ठीक है, इंडिड इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। प्रोफाइल सेट करिए, रिज्यूमे वगैरह अपलोड करके रखिए, सेम प्रोसेस सबका सेम है, आपको रिज्यूमे अपलोड करना, रिज्यूमे बहुत अच्छा, और एक अच्छा रिज्यूमे मेंटेन कीजिए, अच्छा रिज्यूमे बनाइए, यहाँ पे सीवी बनाइए अच्छा, और अपलोड कर दीजिए, ठीक है, शॉर्ट लिस्ट होंगे। और वेदांत देखिए लिंक्डइन पे एक चीज़ खास है कि डायरेक्ट आप कंपनी में अप्लाई करते हैं लिंक्डइन के थ्रू, लिंक्डइन का टाइप बहुत अच्छा है, सारे कोलेबरेशन बहुत अच्छा है लिंक्डइन का, तो लिंक्डइन से आप डायरेक्ट कंपनी में, बायजूस की वैकेंसी हमेशा आपको लिंक्डइन पे दिखेंगी, बीडीए वगैरह, इंटर्न, एचआर इंटर्न वगैरह, ठीक है, ये सब इंटर्नशिप भी लिंक्डइन से आप कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब ये तो हो गई, चलिए प्राइवेट इंडस्ट्री में कैसे मौका मिलता है, लिंक्डइन इज़ द बेस्ट अकॉर्डिंग टू मी, लिंक्डइन को डाउनलोड करिए, यहाँ से आपको 100% मौका मिलेगा। अब सेकेंड, मैंने बोला था ना हम दो चीज़ों पर बात करेंगे, एक ये दूसरा कॉलम तैयार है, बैंकिंग सेक्टर में कैसे एंट्री करना है, जो लोग बैंक के लिए, जो फाइनेंस सेक्टर से हैं, जो एचआर में जाना चाहते हैं, मार्केटिंग में जाना चाहते हैं, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में जो प्राइवेट बैंक होती हैं मोस्टली, उनका मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले प्राइवेट बैंक की एक खास बात है, ठीक है, प्राइवेट बैंक हमेशा अपना करियर पोर्टल बना के रखती हैं आजकल, ठीक है, करियर पोर्टल पर जाइए, ठीक है, रजिस्टर करिए अपने आप को, रजिस्टर करने बाद एक अच्छी सी प्रोफाइल मेंटेन करिए, प्रोफाइल में फिर रिज्यूमे वगैरह वहाँ ऐड कर दीजिए, फिर प्रोफाइल में देखिए यही नहीं है, प्रोफाइल बना दिया तो आपका रिज्यूमे सिलेक्ट हो गया, नहीं, कोई भी प्राइवेट बैंक होती है, लाइक आपका HDFC, ICICI, ठीक है, ICICI हो गया आपका, आपका कोटक महिंद्रा हो गया, ठीक है आपका, और देखिए IDFC हो गया, बहुत सारी प्राइवेट बैंक हैं, एक्सिस बैंक हो गया, सबके अपने करियर पोर्टल पे हैं, करियर पोर्टल हैं, आपको क्या करना है ना, करियर पोर्टल पे जाइए, उनके सबसे पहले रजिस्टर करिए, प्रोफाइल सेट कीजिए, रिज्यूमे वगैरह अपलोड रखिए, लेकिन उसके बाद ना आप डे बाई डे चेक करते रहिए कि वैकेंसी किस किस की आ रही है, क्योंकि वहाँ पे एक जॉब्स का ऑप्शन होता है, वहाँ एरिया वाइज वैकेंसी आती हैं, ठीक है, किसी को NCR चाहिए, किसी को अपना होम टाउन चाहिए, तो एरिया वाइज वैकेंसी आती है डियर्स, वैकेंसी पे जाके अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद आपको उन्हीं के करियर पोर्टल पे ना, आपके जहाँ अप्लाई करते हैं वो दिखता रहता है स्टेटस आपका, कि शॉर्ट लिस्ट हुए या नहीं हुए, या फिर मेल आ जाता है। ICICI का, ICICI इस चीज़ में बहुत आगे है, ठीक है, हायरिंग सबसे ज़्यादा ICICI करता है,
बेस्ट है, आईसीआईसी मौका देता है न्यू जॉइनीस को, और न्यू जो जॉब सीकर्स हैं है ना, न्यू कैंडिडेट हैं, उनको आईसीआईसी मौका देता है। आईसीआईसी का करियर पोर्टल पर आप देखेंगे ना, हमेशा आपके एप्लीकेशन के स्टेटस मेंटेन रहते हैं, आपने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू कंप्लीटेड, शॉर्ट लिस्ट हुए, यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर पीओ, यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर ईआरएम, शॉर्ट लिस्टेड फॉर दिस दिस पोजिशन। आईसीआईसी में बहुत हायरिंग होती है और बहुत बेस्ट भी है। एचडीएफसी में आप दो तरीके से जा सकते हैं, सबसे पहले तो करियर पोर्टल से, सेकंड रेफरेंस, कोई फ्रेंड है या कुछ भी अगर वो रेफरेंस लगा देता है तो आप, एक चीज़ याद रखिए प्राइवेट बैंक में कभी कभी रेफरेंस भी चलता है, और ये 100% चलता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, रेफरेंस चलता है। ट्राई कीजिए कि यार रेफरेंस से ना तो अपने दम पे जाएं, अपने दम पे तभी जा सकते हैं, आपको करियर पोर्टल पे जाके ये जो मैंने आपको बताया ना, ये मतलब क्या है ना, प्रैक्टिकली मेरे करे हुए काम है। लिंक्डइन से मुझे वेदांतु में मौका मिला, ठीक है, करियर पोर्टल पे जाके आईसीआईसी का मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया, आईसीआईसी में करियर पोर्टल से जाके किया, मौका मिला। तो यही आज का टॉपिक यहीं पे था कि जॉब प्राइवेट इंडस्ट्री में आपको, अगर जो न्यूज़ हैं, जो न्यू लोग हैं, मतलब न्यू कैंडिडेट हैं, उनके लिए बेसिकली ये वीडियो था, जो जॉब देख रहे हैं उनको बहुत हो सकता है हेल्प मिले इस वीडियो से, और 100% मिलने वाला है, क्योंकि आप लिंक्डइन जिनको नहीं पता वो आज डाउनलोड कर लीजिए, प्रोफाइल वगैरह सेट करके वहाँ से जॉब देखिए, और इंटर्नशिप वगैरह सब कुछ मिलता है वहाँ, एरिया वाइज, लोकेशन वाइज। सेकंड बैंक में आना है तो करियर पोर्टल पे जाके, करियर पोर्टल पे रजिस्टर करके, रिज्यूमे वगैरह अपना ऐड करके, ठीक है, उसके और जॉब्स जब निकलती हैं तो जॉब में अप्लाई करके सिलेक्ट हो जाइए। और बहुत सारी जॉब अभी आईसीआईसी तो बहुत सारी जॉब ऑफर कर रहा है, पीपीओ, ईआरएम वगैरह बहुत सारे हायरिंग हो रही हैं, एचडीएफसी में भी होती हैं, एक्सिस में भी होती हैं, सारी बैंक में। तो आज की वीडियो बहुत लंबी ना करते हुए इतनी शॉर्ट रखेंगे, 11 से 12-13 मिनट की, ठीक है। सो गाइस, वीडियो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, और देखिए ये प्रैक्टिकली इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सारे मेरे करे हुए हैं, और मैं अभी करेंटली एम्प्लॉय हूँ, काम कर रहा हूँ, तो आपको भी पता, मैं और वीडियो डालता रहता हूँ कहाँ काम कर रहा हूँ वो सब, ठीक है, ये प्रैक्टिकली है, इसलिए मैंने आपको सोचा आज शेयर करूँ। मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ, कॉर्पोरेट ब्लॉग्स हो गए, बैंकिंग ब्लॉग्स हो गए, आपके एजुकेशन ब्लॉग हो गए, तो ये भी एक वीडियो एजुकेशन प्लस कॉर्पोरेट सेक्टर की हो गई, तो ये स्टूडेंट के लिए है बेसिकली, जो न्यू जो मतलब कैंडिडेट है जॉब देख रहे हैं उनके लिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें यार, कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी, कुछ क्वेरीज या कमेंट करके पूछ लीजिए, आई विल हेल्प यू डेफिनेटली। थोड़ा टाइम बाद कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, बट देता जरूर हूँ। एंड अगर यार सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो फिर बिना सब्सक्राइब करे बिल्कुल मत जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूँगा, कॉर्पोरेट से भरी इन्फॉर्मेशन, अपना एक्सपीरियंस, सारी चीज़ें शेयर करेंगे, जो जो आपके लिए हेल्पफुल हों, जो आपके लिए बेनिफिशियल हों फ्यूचर में, करियर में, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर मिलता रहेगा इस चैनल पर, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए यार, हमेशा आपके यहाँ की वीडियो काम आने वाली है और आएंगी। आप प्रीवियस वीडियो उठा के देख लीजिए मेरी, बहुत सारी वीडियो ऐसी हैं जो बहुत यूज़फुल रही हैं कैंडिडेट्स के लिए, यूज़फुल रही हैं, तो ये ऐसी वीडियो यहाँ पे हमेशा आएंगे, काम आएंगे और काम रहेंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच यार, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, आप सब अपने परिवार का ध्यान रखिए।